हेलो फ्रेंड्स मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड सो हैंगिंग ड्रॉप मेथड हम बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं ये जो मेथड है हमारा इसके अंदर हम एक हम कैविटी स्लाइड लेते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक होल टाइप बना होता है कैविटी कैविटी आप जानते हैं कि जैसे कि स्लाइड है ठीक है ये कर्व्ड होगी ठीक है नीचे से सेंटर में कर्व्ड होगी ये कैविटी स्लाइड होती है सो हैंगिंग ड्रॉप मेथड का मतलब ये है हैंगिंग हैंगिंग का method, hanging का मेथड मतलब आप जानते होंगे कि हैंगिंग का मतलब किस चीज को हैंग करना ठीक है और ड्रॉप का मतलब लिक्विड ठीक है लिक्विड का कोई ड्रॉप है और उस मेथड सो so, इसका प्रिंसिपल क्या है सो हैंगिंग ड्रॉप मैथड पर एग्जामिनेशन ऑफ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो जो हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जामिनेशन करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मैथड सो अब हम हैंगिंग ड्रॉप मैथड में हम क्या करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है सो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स uh, होते हैं और कुछ प्रिकॉशंस है, होते हैं कुछ एडवांटेज होते हैं कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी तो सारा हम इस प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले हैं ठीक है सो विच इन्वॉल्व फिग्सेशन ऑफ अ माइक्रोबेल सस्पेंशन इन अ ड्रॉप ऑफ ल्यूड ओवर द्लास लाइट अब हम क्या करते हैं इस मेथड के अंदर हम कुछ लिक्विड यूज करते हैं कोई फ्लूड यूज करते हैं जो ग्लास स्लाइड के आसपास लगाई जाती है उसको फिक्स करने के लिए ठीक so, है है सो इसका प्रिंसिपल बेसिकली यही कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड में हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामिनेशन करने के लिए हम मेथड परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर ठीक है द द डेफिनेशन इज हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज अ वेट माउंट टेक्निक फॉर एग्जामिनिंग द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया तो जब आप वेट माउंट करते हैं फ्रेंड्स हैंगिंग ड्रॉप मेथड के अंदर वेट माउंट टेक्निक यूज करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है ठीक है उसको हम एग्जामिन करते हैं कि वो किस तरीके से मूव कर रही है सो द मेथड इज अप्लाईज लो लाइट कंडीशन एंड प्रोवाइड अ वेरी क्लियर इमेज ऑफ माइक्रोवेल मूवमेंट तो इसमें बहुत ही लो लाइट अप्लाई की जाती है जो कंडीशन वहां पर प्रोवाइड की जाती है ठीक है तो इसका जो इमेज आता है ठीक है आप जो पिक्चर देखने को मिलेगी इमेज देखने को मिलेगा वो माइक्रोबियल मूवमेंट बहुत ही क्लियरली हमें शो होता है सो द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी लोकोमोशन लोकोमोशन का मतलब क्या है कि जो मूवमेंट होती है बैक्टीरिया की दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन ठीक है सो ये जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली यही जानने के लिए कह रहे हैं कि जो लिविंग बैक्टीरिया है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है ठीक है सो so फ्रेंड्स इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्लास स्लाइड चाहिए पैराफिन वैक्स चाहिए इनोकुलम लूप होता है जिससे हम कॉलोनी पिक करते हैं कवर स्लिप लेनी है आपको माइक्रोस्कोप चाहिए बंसन बर्नर एंड ब्रॉथ कल्चर्स चाहिए सो so, इसका प्रोसीजर कैसे है फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक स्लाइड ली है जो एक प्लास्टिसन रिंग प्लस रिंग ये कंटेन करता है सो टू होलो ग्राउंड ग्राउंड स्लाइड तो ये क्या होता है कि जो ये रिंग है यहां से वो थोड़ा होल होती है ठीक है होती है अब हम लेंगे कवर स्लिप कवर स्लिप विद ड्रॉप ऑफ कल्चर मीडियम तो कल्चर मीडियम आप कवर स्लिप के ऊपर रख लेंगे ठीक है कल्चर मीडियम को आप इनोकुलम लूप के थ्रू कवर स्लिप पे प्लेस करेंगे ठीक है सो अब क्या करेंगे इन्वर्टेड ग्लास स्लाइड फ्रॉम स्टेप वन ऑन सपोज कीजिए आपने स्लाइड ली ठीक है ये स्लाइड लेने के बाद जब आप कवर स्लिप रखेंगे तो उसे पलट के रखेंगे ताकि जो ड्रॉप है वो कैविटी स्लाइड के सेंटर के बीचों बीच लगे सो द ग्लास स्लाइड स्टेप थ्री इज टर्म अप साइड डाउन तो अब क्या होगा स्टेप थ्री में जो ग्लास स्लाइड होगी वो अप साइड डाउन हो जाएगी ठीक है सो कुछ इस तरीके से दिखेगी वो आपको इमेज ये आपकी स्लाइड है ये ऊपर आपका कवर स्लिप है ये आपने यहां पे पेट्रोलियम जेली लगाई है जो क्या करता है सील कर देता है पेट्रोलियम जेली क्या करता है आसपास का जो एरिया है उसको सील कर देता है ठीक है इस पर डिप्रेशन वेल होगा जो कि स्लाइड है एंड जो इसके अंदर है आप देखें कि ड्रॉप ऑफ लिक्विड विद स्पेसिमेन हैंगिंग अप साइड डाउन फ्रॉम अंडर सरफेस ऑफ कवर स्लिप तो क्या है कि जो हैंगिंग ड्रॉप हैंगिंग हुआ है इसी को हम हैंगिंग ड्रॉप कहते हैं ठीक है एक ड्रॉप जो आपने ली हुई है कल्चर मीडियम की वो हैंग कर रही है ठीक है लटक रही है तो ये इसको बोलेंगे हम हैंगिंग ड्रॉप मैथड सो so, यही मैथड है जिसमें क्या होता है कि एक लिक्विड ड्रॉप जो है वो हैंग होता है यहां पे, सो फ्रेंड्स अब हम इसका प्रोसीजर जो है वह एक्सप्लेन करेंगे सो टेक ग्रेसफुली क्लीन ग्लास कवर स्लिप एंड द केयरफुली डब्ड पेट्रोलियम जैली टूवर्ड कॉर्नर ऑफ इट द टूथपिक और इयरबड सो so, हमारे पास क्या है कि हमारे पास पेट्रोलियम जेली होता है मैंने आपको बताया अभी डायग्राम के को शो करके कि ये जो पेट्रोलियम जेली होती है कवर स्लिप के आसपास लगाई जाती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से सील हो जाए ठीक है आफ्टर दैट प्लेस अ लुक फुल ऑफ द माइक्रोबियल सस्पेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द दिपेयर कवर स्लिप सो जो कवर स्लिप आपने प्रिपेयर की है उसके सेंटर में आपको कल्चर मीडियम रखना है ठीक है देन टेक अ क्लीन और ग्रेसफुली कैविटी ग्लास स्लाइड एंड टर्न इट अप साइड डाउन आप क्या करेंगे आप एक क्लीन ग्रेसफुलिसविटी ग्लास स्लाइड लेंगे आप अपने लैब में भी देख सकते हैं कि आपको कैविटी ग्लास स्लाइड दिखने में कैसी लगेगी ठीक है जब आप लैब में कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आप अपने लेबोरेटरी जो वहां सीनियर है आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें कैविटी स्लाइड देखनी है तो वो आपको कैविटी स्लाइड दिखा देंगे ये लैब्स में अवेलेबल होती है सो प्लेस दैविटी स्लाइड इन अ मैनर दैट दर्कुलर कनकविटी शुड बी टू वर दी ड्रॉप ऑफ लुइड ओवर दी कवर स्लिप तो जैसे कि आप स्लाइड ले रहे हैं कैविटी स्लाइड उसके ऊपर जब आप कवर स्लिप रख रहे हैं तो वो बिल्कुल कैविटी के बीचो बीच होना चाहिए ठीक है जो हैंगिंग है डैंड प्रिपेयर कल्चर स्लाइड ऑन दी स्लाइडर होल्डर ऑफ द स्लाइड माइक्रोस्कोप एंड एडजस्ट डी जस्ट अ वे दैट द एज ऑफ अ ड्रॉप मस्ट बी विजिबल थ्रू दी आई पीस तो हम कल्चर स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और स्लाइड होल्डर में रखेंगे और माइक्रोस्कोप में एडजस्ट करके उसको ऑब्जर्व करेंगे हम टेन एक्सपे एंड फोर्टी एक्सपे सो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे स्पेसीमैन नोट डाउन द माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज लाइक द शेप कलर मोर्लिटी स्पेसीमेन प्लेस्ड ऑन द ग्लास स्लाइड सो क्या करेंगे हम ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे सो so फ्रेंड्स इसकी अप्लीकेशन क्या क्या है हमारे हैंगिंग ड्रॉप मेथड की सो बैक्टीरियल मोर्लिटी इज मोबिलिटी कैन बी वेल स्टडी टू एम्प्लॉइंग हैंगिंग ड्रॉप मैथड इन विच दी बैक्टीरियल सेल्स कैन फ्रीली मूव इन दी लिक्विड मीडियम सो बैक्टीरिया की मोटिलिटी और मोबिलिटी को चेक करने के लिए उसकी स्टडी के लिए ठीक है हम हैंगिंग ड्रॉप मैथड यूज़ करते हैं सो so, ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही फ्रीली मूव करती है एक लिक्विड मीडियम में हम वो भी उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि टेन एक्स पे कुछ ऐसा दिखता है और फोर्टी एक्स पे कुछ ऐसा दिखता है टेन एक्स की स्लाइड पे आप देख सकते हो ये बैक्टीरियल सेल्स हैं जो आपको दिख रही हैं ठीक है एज ऑफ द ड्रॉप ड्रॉप की जो एज है वो यहाँ है जो आपको हैंगिंग दिखेगी एज दिखेगा बैक्टीरियल सेल्स आप फोर्टी एक्स पे देखेंगे तो आप थोड़ा आपको और जूम करके दिखेगा तो जूम में ऐसा दिखेगा एज ऑफ कनकेव डिप्रेशन यहाँ पर है तो ये हैंगिंग ड्रॉप मेथड है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर टेन एक्स एंड फोर्टी एक्स पे सो फ्रेंड्स हैंगिंग ड्रॉप मेथड के कुछ कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं तो हम दोनों डिस्कस करेंगे इसके अंदर सो so, अभी तक मैंने जो यहाँ पे दे पढ़ा है और जो लिखा है उसमें एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है डिसएडवांटेज काफ़ी कम है ठीक है सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू स्टडी द बैक्टीरियल मोटिलिटी अलॉन्ग विद द शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया तो आप इसमें बैक्टीरिया की जो भी मोबिलिटी है एंड मोटिलिटी है आप उसको चेक कर सकते हो उसके शेप को उसके साइज़ को उसके लोकोमोशन को आप चेक कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं सो हैंगिंग ड्रॉप मैथड प्रोवाइड्स अ बेटर व्यू ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया दैन वेट माउंट मैथड सो हैंगिंग ड्रॉप मैथड से ज्यादा बेटर मतलब वेट माउंट से ज्यादा बेटर आपका हैंगिंग ड्रॉप मैथड है जिसके अंदर आप बैक्टीरिया की मोर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं सो इट इज अल्प हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया वट वेदर दे आर मोटाइल और इमोटाइल तो कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं कुछ बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होते सो so, ये उसकी क्लासिफिकेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया मोटाइल है कौन सी नॉन मोटाइल है उसको डिफ्रेंशिएट भी हम कर सकते हैं सो दट्रोलियम पेट्रोलियम जेली यूज इन दिस टेक्निक सील द कवर स्लिप टू दी कैविटी स्लाइड दैट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द टेस्टेड स्पेसिमेन फॉर मैनी टाइम तो अब क्या है कि जब भी आपको उस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है तो आप वही कैविटी स्लाइड लेकर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि जो आपने पेट्रोलियम जेली यूज की है कवर स्लिप में वो उसको प्रिजर्व करके रखती है ठीक so, है सो फ्रेंड्स जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं सो so, जिसके डिसडवांटेज है कि इट इज अ रिस्की फॉर द स्टडी ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन दी लिविंग कंडीशन आप लिविंग कंडीशन में किसी ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिससे आपको खतरा भी हो सकता है क्या पता कि वो बहुत जल्दी फैलता हो या फिर कहीं मिस हो जाए या फिर कुछ इंजरी हो जाए जहां आपको स्प्रेड आउट हो जाए तो ऐसे केसेस में जो लैब की लैब की जो इन्वायरमेंट होती है उसमें भी स्प्रेड आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब भी आप कोई पैथोजेनिक चीज यूज कर रहे हो ठीक है तो काफी सिक्योरिटी के साथ यूज करना होता है तो कभी कभी क्या होता है कि लापरवाही भी हो जाती है ठीक है सो काफी ज्यादा प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी की जरूरत है और एक ऐसा एन्वायरमेंट चाहिए जिसके अंदर पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट हो ठीक है तो जो आप लिविंग कंडीशन में पैथजेंस को यूज कर रहे हैं ठीक है तो अपने आप सीनियर के प्रेजेंस में कीजिए ठीक है फ्रेंड्स सो हमारा जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है उसमें इतना ही था बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है छोटा टॉपिक है सो so, अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में सो so, फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच